नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग लव। थैंक यू सो मच सिस्टर। मैं कल सोच रहा था, जो आपने बात कही कि अलग अलग किस्म के, मतलब दान तो नहीं कहूंगा, देने देना, जैसे सूरज देता है, मतलब पेड़ देते हैं, तो इंसान की जो इंटेंशन है, कहीं ना कहीं बचपन से सिखाया जाता है कि तुम यहाँ दोगे तो तुम पास हो जाओगे एग्जाम में, फलाने मंदिर में ये जाके नारियल तोड़ के इतने चढ़ा दोगे तो बेटा हो जाएगा या बच्चा हो जाएगा फलाना, मतलब हर चीज के पीछे कुछ कोई ना कोई स्वार्थ है। स्वार्थ है तो फिर है ना, कुछ ना कुछ लेना है। तो सी कर्म, कर्म के पीछे इंटेंशन। जब हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, अगर इंटेंशन निस्वार्थ होगी तो जो एम्पावरमेंट होगी आत्मा की वो एक अलग लेवल की होगी। और एक है आपने कुछ दिया लेकिन उसके पीछे इंटेंशन कुछ लेने की है, कुछ मिलने की है, तो जो पावर होगी वो थोड़ी कम होगी। पुण्य तो वो भी है लेकिन वो इस लिमिट का है। और एक है निस्वार्थ। एक ये भी तो हमें सिखाया था कि एक हाथ से देना है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये भी तो बचपन से सिखाया था। गुप्त दान महापुण्य, गुप्त, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, आपके दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया, वो भी तो सिखाया था। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि जितना निस्वार्थ है तो आपकी पूरी एनर्जी कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वो देने एनर्जी जब ऐसे फ्लो होगी देन ओनली इट विल वाइब्रेट। नो, यू आर लेटिंग इट फ्लो, अदरवाइज यू आर होल्डिंग इट बैक हियर। आप इवन ब्लड इन द बॉडी, हेल्थ की साइन कब है, जब वो फ्लो हो रहा है। अगर वो रुक जाए कहीं, रुक जाए, देन दैट्स पेन, वो दर्द है, कहेंगे हम यहाँ क्लॉट हो गया, यहाँ सुन हो गया, नंब हो गया, फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसको हिलाओ, इट हैज टू फ्लो। सिमिलर आत्मा की क्वालिटीज, आत्मा की प्रॉपर्टीज, हमारे पास जो कुछ है इट हैज टू फ्लो। नेचर में हर चीज फ्लो करनी है। तो एक जो हमने देखा, एक है दान करना, के चैरिटी, कुछ देना, उसको भी दे तो रहे हैं, आप कर रहे हैं जाके, तो क्यों ना थोड़ा सा इंटेंशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए। सेवा कर रहे हैं, यू नो, हम सोशल सर्विस करते हैं तो सेवा कर रहे हैं। सेवा मीन्स एनर्जी की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, सेवा देना। आज तो हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहाँ सेवा वर्ड है, सेवा में भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हमें यहाँ से कुछ मिले, तो वो सेवा नहीं हो सकती है। तो एक है दान करना, सेवा करना। एक और बहुत सिंपल तरीका जो हम सारा दिन कर सकते हैं, जब हम अपने काम के क्षेत्र पर जाते हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, अब कोई भी सोचेगा कि हम काम के अब क्यों करने जाते हैं, क्योंकि हमें वहां से पैसा मिलना है। वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स जॉब, व्हाटएवर प्रोफेशन, आई एम गोइंग टू अर्न। तो एक है उस इंटेंशन से रोज सुबह से रात तक काम पे जाना कि मुझे कुछ मिलना है। एक है उस इंटेंशन से रोज काम पर जाना कि आज मुझे जाना है और जो जो मुझे मिलेगा, आज सपोज आप एक्टर हैं, जो जो मिलेगा राइट फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू हूएवर इज ओके डायरेक्टर ऑफ द मूवी, जो जो मुझे आज क्रू में मिलेगा मुझे सबको देना है। देना मतलब मुझे शेयर करना है, जो मुझे आता है वो शेयर करना है। आज प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी, जो कहे प्रॉब्लम कहे या जो भी उसको कहे, हर एक अपनी चीज को अपने तक पकड़ के रखना चाहता है, सीक्रेट। इवन अ सिंपल चीज, अगर किसी को कोई चीज खाने में बनानी आती है ना, कोई रेसिपी अच्छी आती है, आप उनसे पूछो ये कैसे बनाया, हमें भी बताओ ये कैसे बनाया, कहेंगे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ये, कर दिया, हो गया। विच मीन्स दे डोंट वॉन्ट टू शेयर वॉट दे नो। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी भी उसमें उन्नति नहीं है। इसीलिए आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अनुभव हो रहा है कि हमारी नॉलेज, टैलेंट्स, स्किल्स, विजडम, जो कुछ है वो अपने तक रखने की चाहना, शेयर नहीं करना, विद द इनसिक्योरिटी कि अगर शेयर किया तो कहीं दूसरा मेरे से भी आगे ना निकल जाए, तो फिर हमने अपने आप को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, स्टैग्नेंट कर दिया। देने में आज हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि सुबह से रात तक जहाँ हम काम करते हैं
वहाँ सबको देना है. गो टू वर्क ओनली विद द इंटेंशन कि मुझे यहाँ जाके सुंदर रिश्ते बनाने हैं, सबके साथ प्यार से बात करनी. नॉट दैट आई गो टू वर्क टू अर्न मनी. अर्न मनी तो एक बाय प्रोडक्ट है उसका, कि वो तो आना ही है. लेकिन दिया क्या आज सारा दिन में? क्योंकि देंगे नहीं तो अंदर नमनेस हो जाएगी. ये फ्लो चलते रहना चाहिए कंटिन्यूसली. इट्स नेचुरल, दिस इज लाइफ. फ्लोइंग है तो लाइफ है. ब्लॉक कर दिया तो स्टैग्नेंट हो जाएगा. तो अगर हम ये एक थॉट क्रिएट करें जाने से पहले वर्क पे, कि आई एम गोइंग, जितने लोग मिलेंगे, चाहे वो रास्ते में मिले, चाहे वो आपको ट्रेन में मिले, बस में मिले, कहाँ भी मिले, ऑफिस में मिले, मुझे सबको देना. और कुछ नहीं तो एक स्माइल ही दे दो सबको. ये भी देना है, क्योंकि जैसे ही दिया, इट्स फर्स्ट वाइब्रेंट एनर्जी आपको और सामने वाले को भी वाइब्रेट कर देती है. कितनी छोटी छोटी चीजें देने में समाई हुई है. मैंने किताब में पढ़ा था, जब आप किसी के घर जाते हो, अचानक जाना पड़े, किसी ने कहा कि चलिए दो मिनट घर पे आ जाइए, सपोजिंग आपके पास कुछ गिफ्ट नहीं है देने के लिए, फूल भी नहीं है, तो आप पहला कदम डाल के ब्लेसिंग्स तो दो. यस, गॉड ब्लेस दिस हाउस, यहाँ के लोग खुश रहे, आप खुश रहो, भगवान यहाँ शांति दे, सुख दे. आपके पास कितनी बड़ी चीज है, ब्लेस तो दो. कितनी ब्यूटीफुल है ये इंटेंशन कि आप जो भी करें, जिसको भी मिले, उसको देना है. लेकिन ब्लेसिंग्स जो फूल से और जो गिफ्ट से, कितनी बड़ी ऊंची चीज है. बट ये ब्लेसिंग्स हम सारा दिन दे सकते हैं ना. आपने जैसे कहा, अगर शूटिंग में जा रहे हैं, चौकीदार से लेके स्पॉट बॉय से लेके क्रू मेंबर से लेके, ये आशीर्वाद तो देते जा सकते हैं. अगर आप सबको मिलते हुए सिर्फ एक स्माइल करें और स्माइल करके उसको एक बहुत प्यारी सी थॉट भी दे दे, अगर रुक के किसी से एक लाइन पर बात कर सके तो वो तो और, लेकिन ये छोटे छोटे जेस्चर्स भी, छोटे छोटे जो अंदर से एनर्जी बाहर फ्लो कर रही है, वी विल फाइंड. और एक है बड़े स्टर्न होके अपनी गाड़ी में बैठ के ऐसे क्रॉस करके जा रहे हैं, ना किसी को देख रहे हैं, ना किसी की तरफ मुस्कुरा रहे हैं, कौन मिल रहा है, कौन, उसको कुछ नहीं देना है. तो देने में हमें खुद देखना होगा कि हम कैसा फील करते हैं. दी एंड ऑफ द होल एनर्जी विल चेंज, द होल एनर्जी, बिकॉज जैसे ही हम देंगे इट विल टच देम, व्हेन इट टचेस देम वो औरों को देंगे. एंड द होल वाइब्रेशन, जहाँ हम काम कर रहे हैं वो जगह की वाइब्रेशन पूरी चेंज हो जाती है. तो स्माइल देना, ब्लेसिंग देना, अप्रिशिएट करना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, स्किल है, वो सबके साथ शेयर करना. नो फियर कि देने से कहीं वो मेरे से आगे न बढ़ जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल लॉ है, जो जितना देगा वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना आगे बढ़ जाएगा. क्लैप करने के लिए भी, अप्रिसिएशन में भी कंजूसी. मैंने देखा सेट किसी दूसरे के गए, देखा इतना खूबसूरत सेट बना है, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी कंजूसी कि भाई इतना सुंदर सेट बनाया आपने, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्क, कुछ किसी ने अच्छा परफॉर्म किया को आर्टिस्ट ने. ईगो दूसरे को अप्रिशिएट करने से रोकती है, अपनी इनसिक्योरिटी दूसरे को अप्रिशिएट करने से रोकती है. हम नहीं दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, ये इसीलिए हम दे नहीं पाते हैं. लेकिन जितना नहीं देंगे उतना अंदर अपनी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी. दुनिया भी आपको नहीं देगी जब आप कुछ करेंगे तो. वो फिर सेकंड चीज है, दुनिया हमें क्या देगी इज राइट नाउ नॉट द फोकस. हम क्या दे सकते हैं, देखो ये कितनी ब्यूटीफुल चीज है, किसी को कॉम्प्लीमेंट ही देना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को मोटिवेट करना, कितना सिंपल है. कितने लोगों को देखा मैंने, कोई बोलते थे कि मैं नया शर्ट ये लेके आया, फलाना वाना, वहां गया था, कैसा अच्छा ना, ठीक है. यहाँ कम से कम झूठ ही सही है. नहीं झूठ नहीं, नहीं वो मांग रहा है ना, कह रहा है ना, मैं वहां गया था, फलानी जगह गया था, वहां गया, उस दुकान में कितना अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आई, देख मैं क्या पहन के आया, वेरी गुड, नाइस, बिकॉज यू आर हैप्पी ना, यू आर हैप्पी. तो उसके अंदर अब मैं बोलूं हाँ ठीक है, ओके है, सो सो है, माड़ा नहीं है. तो ये सारा दिन देना, देखो देने के कितने सारे फॉर्म्स आते जाएंगे. आप भी तो खुलते हो ना देने से. दिस इज द लाइन, आप खुलते हो देने से. आप कह रहे थे ना देने से क्या फायदा होने वाला है, ये खुलते हो मतलब क्या, फ्लो हो रही है ना एनर्जी जो ब्लॉक हो रही थी, नहीं तो आप ऐसे रहते हैं जैसे जैसे अपने बाथरूम का सिंक बंद हो जाए, क्लॉग हो जाएगा ना, स्टिंक, खुला हुआ है, पानी फ्रेश आ रहा है. बिल्कुल, सी यू यूज द वर्ड कि ये देने से क्या होगा, आप खुलते हो तो देते जाए. एक बहुत सिंपल चीज जो हम सारा दिन दे सकते हैं और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों को देना. हाँ. आज नहीं तो वो भी एक इनसिक्योरिटी है, राइट फ्रॉम टॉप
यू नो जो लीडर है, चाहे वो लीडर ऑर्गेनाइजेशन का है, चाहे वो लीडर घर का है, चाहे वो लीडर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का है, हम अपने पास पावर रखना चाहते हैं। हम औरों को जिम्मेवारी दे दो, उनको फ्रीडम दो कि वो जिम्मेवारी को अपने तरह से निभाएं। हो सकता है वो कुछ उसमें गलतियां भी करें, कुछ भी करें, पर देना, क्योंकि जैसे ही आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, यू हैव जस्ट प्लेड द रोल कि आपने दूसरे को एम्पावर कर दिया। किचन में देखा सिस्टर मैंने, बूढ़ी हो जा रही है सास, थक गई है, बीमार हो रही है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं, लेकिन सब बहू को नहीं देगी, चाहे भाई तू तू हैंडओवर नहीं करेगी, नहीं तुमको नहीं आएगा, तुम नहीं कर सकते, मैं ही कर सकती हूँ। जब ये हम नहीं करते हैं तो हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं, और जब हम देते हैं अपना भी फायदा करते हैं, सामने वाले का भी फायदा करते हैं। ऐसा तो नहीं लगता हो कि आई माइट लूज पावर? या वी थिंकिंग आई माइट लूज पावर, यस एब्सोल्युटली। मैं दे दूं तो फिर मैं, लेकिन हमें ये नहीं पता, जब तक हम एक ब्रांच को छोड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे पहुंचेंगे कैसे? चिड़िया अगर उसी डाली को पकड़कर रखेगी कि अगर मैंने ये छोड़ दी तो मैं कहाँ पहुंचूंगी? छोड़ेंगे तो उड़ेंगे ना, उड़ेंगे तो कहीं और पहुंचेंगे। मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक राजा ने दो बहुत बहुत ही महंगी चिड़िया खरीद के लाई थी, तो वो ब्रांच पे बैठी थी, एक चिड़िया उड़ान और बड़ी खुश थी और दूसरी अनहैप्पी वहीं बैठी थी। तो एक आदमी ने बोला, एक फार्मर है जहाँ इस गाँव में, वो चिड़िया को बराबर जानता है, लेके आता हूँ। उसको बुलाया, वो दूसरे दिन से वो उड़ने लग गई। बोले ये क्या कमाल हो गया? तो बोला तूने किया क्या भाई, बता मुझे, मैं भी तुझे इनाम दूं। उसने बोला मैंने क्या किया सरकार, मैंने सिर्फ वो ब्रांच काट दी। राइट, ये अपने आप उड़ेगी ऑटोमेटिकली। सो ये है कि जितना हम उड़ेंगे, आपने कहा ना, अब कट करना, कट करना ही पड़ेगा, अपने आप को कट करना, कोई ब्रांच को पकड़े हुए हैं हम, तो फिर क्या उड़ेंगे? स्टैग्नेंट नहीं, विच मीन्स हम और कितनी चीजें करने के केपेबल थे। सी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हम कितनी और चीजें करने के केपेबल थे जो हमने नहीं की, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसी में समय चला गया, उसी में उसको हमने और किसी को हैंडओवर ही नहीं किया। सही बात, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी नहीं, और फिर अपने को कहा आई एम वेरी बिजी, मुझे ये भी करना है। डेलीगेशन, डेलीगेट कर दो, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दो, फेथ एंड विश्वास, फुल फ्रीडम करेगा, फ्रीडम के साथ, एंड फिर एक्सेप्ट करो कि हो सकता है सामने वाला करते करते कोई छोटी मोटी गलतियां भी करे। क्यों? क्योंकि मैंने भी की होगी, लर्निंग का पार्ट है वो, मैंने भी किया ना, लेकिन कितना एम्पावर किया। जब हम दूसरे को एम्पावर करेंगे, जब आपने दूसरे को आगे बढ़ाया, हमने लगता ना कि अगर हमने दिया तो हम अपनी पावर खो रहे हैं, लेकिन जब हमने दिया और हमने सामने वाले को एम्पावर किया ना, उसको और आगे बढ़ाया, जब हमने उसको एम्पावर किया तो पावर किसके थ्रू फ्लो करेगी? सबसे पहले हमारे थ्रू फ्लो करेगी। तो ये करके देखना है कि इसको करने में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, बिना करे सिर्फ थ्योरी में सुनने से नहीं समझ में आएगा, ये करके देखना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करो। ये तो मैंने किया सिस्टर, मैंने अपने घर में खुद किया है। जब मेरे भाई का बच्चा मेरे साथ रहता था, जैसे बड़ा हुआ तो हमने उससे बात करना शुरू किया, ये कर ले, ऐसा कर ले, यहाँ इन्वेस्ट कर ले, ये शेयर में डाले। उस वक्त हम शेयर में कर, वो डी यू थिंक, वो पढ़ता था जाके शेयर के बारे में, आके इनपुट देता, उसको इतना एम्पावरमेंट मिलता था कि आज अपना खुद ऑफिस चलाता है वो। अब जैसे हमारे घर बहू आई तो मैंने कहा आप अपने हिसाब से घर बनाओ। ले नहीं प्लीज, आप ये तो बता के जाओ, नहीं आपके पास, मैंने बोला मैं 10 घर बनाए एक्सपीरियंस है, लेकिन ये आप करोगे, बेटा करेगा, बहू करेगी। उन्होंने डबल खर्चा कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना अच्छा घर बनाया, इतना अच्छा घर बनाया, बनाया ना। लेकिन आप ये देखें, आपने 10 घर बनाए आज तक, आप एक और 11वां भी बना देते, हाँ ठीक है, लेकिन आपने वो हैंडओवर कर दिया। हैंडओवर तो ये, जिस दिन पूजा थी उस दिन एंटर किया मैं, तो कंप्लीट पूजा के दिन, कंप्लीट नॉट इवन वंस, यस। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते भी हैं किसी को, फिर बीच में वापस ले लेते हैं उसको, इंटरफियर करके, इंटरवीन करके, नहीं और बोल भी थे, मुझे मालूम था तेरे को आएगा नहीं, या तुमने इतनी गलतियां की, इससे अच्छा तो, कई बार हम कहते हैं इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता, तुमको दिया, इतनी बार बताना भी पड़ा बीच में, तुमने इतनी गलतियां भी की, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता, मैं तो कर लेता, लेकिन मैं तो करते आया हूँ ना अभी तक। औरों को आगे बढ़ाना वो भी तो ह्यूमन नेचर है,
तो वो हमें करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम तो अपने वर्क प्लेस पर करके देख सकते हैं कि कैसे हम दूसरों को आगे बढ़ाएं, इतनी दुआएं कमाएंगे। नो, व्हेन वी एम्पावर समबडी, हम इतनी ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं विदाउट वांटिंग इट, वो इट विल ऑटोमेटिकली कम। और वो जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब दूसरा एम्पावर होता है, वो जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, वो ब्लेसिंग्स हमें अपनी कैपेसिटी से कई गुना आगे बढ़ा देती हैं। वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एक और सिंपल चीज़ विजडम है, एक्सपीरियंस है, आसपास कुछ दिख रहा है, इम्पोज नहीं करना है, लेकिन धीरे से राय हमेशा देनी है। भले सामने वाला नहीं मानेगा, कई बार क्या मानेगा नहीं, कई बार रिजेक्ट भी कर देंगे, हमारा रोल है देना, हमें देना है। जैसे मैंने उनसे कहा था बच्चों से कि देखो घर आपने बना लिया, सामान शिफ्ट नहीं करना, एक बारिश देख लो, कभी कभी पूरा सामान भी खराब हो जाएगा। Right. और जहाँ जहाँ उन्होंने सुन लिया, बिल्कुल नहीं सुनते तो फिर तो भी क्या कर सकता मैं। बट ये वो भी ठीक था, ये भी ठीक था। अपनी विजडम और एक्सपीरियंस जो जीवन में इकट्ठी की है वो हमेशा देते चलना है, बड़े सटल रूप में, धीरे से, प्यार से, लेकिन देना है। मैंने आजकल एक नई लाइन शुरू कर दी सिस्टर, जब से ये एपिसोड्स कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। पहले मैं ऑर्डर करता था, बोल दिया ना ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये करना है और ये नहीं करना है। अभी कौन सिखाता रहेगा एक एक चीज का इतना आप सबको। तो आजकल मैंने एक नई चीज शुरू की, अब मैं कहता हूँ इफ कोई बात भी करता है तो बोलता इफ आई वर यू, राइट, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शायद ये नहीं ये करता, लेकिन देख लो तुम, यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंस, देख लो आप जो आपको पसंद है वो कर लीजिए, लेकिन मैं ये वाला करता, बस इसके आगे नहीं, अब इम्पोज नहीं करता। हाँ, लेकिन राय फिर भी देते हैं। राय दे दी ना इनडायरेक्टली, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं ये करता। तो ये भी देना है। देना कितने चीजों पर है, देना सिर्फ दान नहीं है ना, हमने चैरिटी का फॉर्म ऑफ देना देखा, एक स्माइल देना, ब्लेसिंग्स देना, अप्रिसिएशन देना, अपनी नॉलेज शेयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और फिर ये देना अपनी विजडम और अनुभव औरों के साथ शेयर करना, ये भी देना। क्यों सिस्टर, ये भी हम कहाँ से लाए? हाँ, किसी ने दिया ना? किसी ने दिया, तभी तो वो पास ऑन करेगा ना। फ्लो कैसे कर रहा है, जो हमने देखा उसका एहसान कब चुकाएंगे? देखो, पानी फ्लो करते हुए रास्ते में हर चीज को टच करता हुआ जाए, हर चीज को जो मिले उसको नर्चर करते हुए जाना है, ये हमारा जीवन का पर्पस। नो, मेनी पीपल, व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ? माय पर्पस ऑफ माय लाइफ इज टू नर्चर एंड नरिश एवरीवन आई सी एंड मीट इन व्हाटएवर वे, जिस भी तरह से हम कर सके, ये फ्लोइंग एनर्जी है। और ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर चीज। आज क्या हो रहा है ज्यादातर, ये क्यों नहीं हुआ ऐसा, ये क्यों नहीं मिला मुझे, वो तो चिंतन चल रहा है कि ये ऐसा होता तो बेटर होता। जो जो नहीं मिला उसकी पूरी लिस्ट याद है, और जो जो मिला, इतना कुछ मिला, उसके लिए शुक्रिया ही नहीं कभी दिया, ना लोगों को शुक्रिया दिया, ना प्रकृति को शुक्रिया दिया, ना परमात्मा को शुक्रिया दिया, वहाँ भी सिर्फ मांगा, और परमात्मा के सामने भी खड़े हुए मांगा, लोगों से भी मांगा, प्रकृति से मांगा, दिया, शुक्राना किया ही नहीं ना किसी का। तो अगर वो भी हम करेंगे तो अपने थ्रू कैसी एनर्जी क्रिएट होगी। Gratitude to everything and everyone I touch on the way. Gratitude की बात ही है सिस्टर कि आप हंसेंगी मैं आपसे अगर कहूंगा तो, मैं जब सुबह उठता हूँ ना तो मेरी मदर ने कहा था, बेटा जब जमीन पे पैर रखते हैं तो धरती माता को भी थैंक यू कहना। मतलब छोटा तो मैंने हंसा था, मतलब मैंने क्यों नहीं, बोझ देता है ना तो पूरा दिन, तो ठीक है पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सत्संग में मुझसे किसी ने कहा था कि हमारे गुरु के भी गुरु वो तकिया भी उठाते थे तो ऐसा लगता था कि एक छोटे से बच्चे को उठा के साइड पे रख रहे हैं। मैंने बोला तकिया है रुई का बना हुआ, बच्चे बोले कैसा ज्ञान काएगा सत्संग। तो एक दिन यूं हुआ कि मैं खड़ा खड़ा सिस्टर के घर में हैदराबाद में खड़ा खड़ा यूं गिर गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। और बाई चांस डोर था, डोर के बीच पकड़ लिया, पलंग को पकड़ लिया ये, और मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो हॉस्पिटल में ये बात आ रही है
नीडल लगी, मैंने बोला ये भी तो जड़ है, वो जिसने मुझे बताया बचाया वो फ्रेम ऑफ द डोर, वो भी जड़ है, चेतन नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है। जो पलंग को मैंने पकड़ा वो भी जड़ है। फिर मैंने देखा नीडल के अंदर जो दवाई थी वो भी जड़ है। जो कंबल मुझे ठंड से बचाया, नहीं तो मैं मर जाता था, वो भी जड़ है। मैंने कहा यार बात सुनो, हम जड़ चेतन कहते हैं कि इंसान को तो थैंक यू करना चाहिए। मैंने कहा एक्चुअली बचाया किसने? टेलीफोन से शुरू किया अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, कहाँ कहाँ दिमाग गया उस दिन से लेके आज तक। जब मैं घर से सुबह उठता हूँ पहले तकिए को थैंक यू करता हूँ, पहले रजाई का करता हूँ, भाई आपने पूरी रात मुझे वार्मथ दी। और उसका थैंक्स क्या है, उसको ढंग से रखना, ऐसा लात मार दी और चले गए नीचे बाद में नौकर उठा लेगा, नहीं, उसको प्रॉपरली ऐसे लगता है कि कोई रात को सोया ही नहीं जब मैं उठता हूँ। फिर उसके बाद आराम से निकला, थैंक यू किया इसको, थैंक यू किया। और जब भी मैं होटल रूम छोड़ता हूँ वॉल्स का थैंक्स करता हूँ, पंखे का, एसी का। आप हंसेंगे, प्रकृति का भी। हाँ, प्रकृति, मैं सुबह उठ के सूरज को देखता हूँ, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आप इतना सब करते, गुड नाइट। और लोग देखने वाले शायद बोलेंगे पागल आदमी है। अब ये करते हुए खुद को कैसा महसूस हो रहा होता है? नहीं, मुझे अच्छा महसूस होता है बहुत ही। इसीलिए कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड ही जीवन का क्या बन जाए, ग्रैटिट्यूड, हर चीज को, हर व्यक्ति को ग्रैटिट्यूड। उस दिन एक मुझे किसी ने बहुत सुंदर कहा, कहते हैं आप प्रोग्राम करने जाते हैं, हॉल में, ऑडिटोरियम में बैठे हैं, इतने लोग सामने बैठे हैं, आप किसको थैंक्स देते हैं पहले? मैं कहा पहले परमात्मा को थैंक्स, फिर लोगों का थैंक्स। कहते फिर आपके माइक को थैंक्स? बोला हाँ वो तो नहीं किया। कहते अगर वो माइक नहीं होता तो आपका प्रोग्राम कैसे होता? अगर वो माइक खराब होता तो आपका प्रोग्राम कैसे होता? तो इट वॉज वेरी सटल, बट वो अवेयरनेस। ही सेड ये करो, ये नहीं कि सिर्फ जैसे आपने कहा कि लिविंग को थैंक्स देना है, जड़ चेतन दोनों। एंटर करो ऑडिटोरियम का थैंक्स, एंटर करके माइक का थैंक्स, वो पूरा जो स्पीकर सिस्टम है उसका थैंक्स, लोगों का थैंक्स, सबका थैंक्स करते करते तो आपकी अपनी एनर्जी देखो कैसी क्रिएट हो जाएगी। एंड एक संस्कार, यू नो, ये भी तो एक संस्कार ही क्रिएट हो रहा है ना, एक संस्कार बन गया कि जो मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, जीवन में जो भी चीज आ रही है उसको ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया करते हुए गुजर रहे हैं। इसलिए तो कहते सभी तो पांच तत्व के है ना, और सबके ऊपर, सबके ऊपर मन के वाइब्रेशंस का असर पड़ता है। जो वाइब्रेशंस है वो इतनी पावरफुल है, जो हमने देखा कि हमारी वाइब्रेशंस मन पर असर, शरीर पर असर, लोगों पर असर, और हमारे आसपास जो कुछ है उस पर असर, प्रकृति पर असर, वाइब्रेशंस का असर पड़ता है। हमेशा प्रकृति ने मुझे बचाया, हमेशा। हर एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी में मेरे साथ वाले मर गए, इधर वालों की टांग टूट गई, मैं स्क्रैचलेस निकला, क्योंकि हमने गाड़ी का इतना थैंक्स किया हुआ, इतना शुक्राना था, प्यार से उसको रखता था, थैंक यू बोलता था। हर ये करने हर से जड़ चेतन दोनों ने मेरी हेल्प की, तो उसके साथ भी एक रिश्ता बना ना, सभी के साथ है, प्रकृति के साथ भी रिश्ता बना, जड़ चीजों के साथ भी रिश्ता बना। नहीं तो किसी भी चीज को कैसे भी फेंकना, कैसे भी यूज करना, कैसे भी उसको वेस्ट करना, ये रिश्ता अच्छा नहीं बन रहा है। तो जैसा करेंगे, जैसे आपने कहा ना, वही रिटर्न में मिलता जाएगा। तो अगर ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड भी हम क्रिएट कर ले, और इसी तरह सब लोगों का भी थैंक्स, सारा दिन में जो मिले, अगर कोई हमारे लिए जीवन में चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है उसका भी थैंक्स, क्योंकि वो चैलेंजेस लाता है, तभी तो हम पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो हमारी शक्ति भी बढ़ती है, तो उनका भी थैंक्स, जो अच्छा कुछ लेकर आ रहा है उसका भी थैंक्स। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड सारा दिन करते हुए अपना एटीट्यूड ही वो ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स का बन जाता है। नहीं तो हमेशा मेरे पास ये कम है, मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो ऐसा होता, तो ये अपनी अंदर की स्थिति क्या होती जा रही है, ये डिप्लीट होती जा रही है। और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ देना, एक हुआ चैरिटी, दूसरा हुआ सारा दिन में जो मिले उनके साथ टैलेंट, स्किल, नॉलेज, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, चौथा अपनी विजडम और अनुभव शेयर करना, पांचवा जो हमने देखा ग्रैटिट्यूड, सबका शुक्रिया करना, एंड लास्ट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ देना, अपनी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से देना, एंड स्पिरिचुअल नॉलेज,
नॉलेज तो देना ही बांटना है, जो लिया वो तो देना किसी ही और है। यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप फील कर रहे हैं, द बीइंग दैट यू आर, वो सारा दिन रेडिएट कर रही है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ देना है, क्योंकि उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, वो जो आप हैं वो सबको ऑटोमेटिकली मिलता जा रहा है, और उसको तो आप न चाहते हुए भी वो देने में जाएगा। सर यही बात हम लोग मेडिटेशन में करें, क्योंकि आई वांट टू कंटिन्यू नेक्स्ट एपिसोड में ये जरूर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन देना। लेट्स सिट बैक, अपने आप को देखें, मैं आत्मा, ओरिजिनल, ब्यूटीफुल, प्योर। आज सारा दिन जहां भी जाएं, जिस भी चीज को यूज करें, जिसको भी मिलें, पहले शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड। यह है एक प्योर पावरफुल थॉट हर इंटरेक्शन में, चाहे वो इंटरेक्शन एक आत्मा के साथ है, प्रकृति के साथ है, या जड़ चीजों के साथ है। सबको देना, शुक्रिया करना, जो जो मिले उनको सहयोग देना, जो कुछ हमें आता है वो उनके साथ शेयर करते जाना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें एम्पावर करना। उस एम्पावरमेंट में हमारा अपना आगे बढ़ना अपने आप समाया हुआ है। अपनी वाइब्रेशंस पर अटेंशन, अपनी थॉट्स पर अटेंशन, क्योंकि हमारी थॉट्स और वाइब्रेशंस चारों तरफ लोगों पर, प्रकृति पर प्रभाव डालती है। हम ऑटोमेटिकली दे रहे हैं, हम दाता के बच्चे, देवताओं की वंशावली देते जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।